बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। दरअसल आपको बता दें कि आज रामलीला मैदान दिल्ली के अंदर यंग इंडिया और बहुजन समाज की तमाम लोगों की तरफ से CA NRC और जैसे कानूनों के साथ साथ आपको बता दें कि रिजर्वेशन में आरक्षण की मांग को लेकर रामलीला मैदान के अंदर बड़ा प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान जो संबोधित करने वाले लोग थे उनमें बड़े नाम थे। आपको बता दें कि आयशा या जो अभी अभी JNU के छात्र संघ अध्यक्ष बनी है आयशी घोष, उसके अलावा भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद, उमर खालिद, गोपीनाथ कड़न जो कि IAS अधिकारी थे जिन्होंने रिटायर अपना इस्तीफा सौंपा था मोदी सरकार के खिलाफ, यानी कि तमाम जो लोग थे वो आज उस मंच पर मौजूदगी नजर आए। इसके अलावा आपको बता दें कि देश भर के कहीं कार्यकर्ता वहां मौजूद पहुंचे। इस दौरान भी आपको बता दें पुलिस से झड़प भी होने की खबर आ रही है। पुलिस ने परमिशन नहीं दी थी रैली की और आपको बता दें कि जानबूझकर रैली की गई थी और करीब 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आरोप ये भी है, चंद्रशेखर आजाद ने भी एक वीडियो शेयर किया जिसमें एक पुलिस वाला प्रदर्शनकारियों को थप्पड़ मारते दिखाई दे रहा है मीडिया से बात करते समय। तो आपको बता दें कि पूरी तरीके से अगर हम देखने की कोशिश करें तो आज की रैली किस तरीके की रही, हम आपको वीडियो दिखाते हैं रामलीला मैदान से किस तरीके से।